हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना 500 कैलोरीज डाइट प्लान शेयर करूंगी। इस डाइट प्लान को फॉलो करके मैंने एक महीने में 10 केजी वेट रिड्यूस किया है। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं 1 स्मॉल बॉल ऑफ वेजिटेबल उपमा विच इज 150 कैलोरीज एंड 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी विच इज 2 कैलोरीज। आप मॉर्निंग स्नैक्स में ले सकते हैं 1 स्मॉल क्यूकम्बर which is 20 calories and 1 tablespoon of hummus which is 25 calories. Lunch में आप ले सकते हैं 1 small ball of mixed vegetable which is 100 calories, 1 small chapati or roti which is 70 calories, 1 small ball of cucumber raita which is 60 calories and 1 small ball of mixed salad which is 20 calories. आप आफ्टरनून स्नैक्स में ले सकते हैं 1 स्मॉल एप्पल विच इज 53 कैलोरीज एंड 1 लो फैट चीज विच इज 50 कैलोरीज। डिनर में आप ले सकते हैं 1 स्मॉल बॉल ऑफ दाल विच इज 100 कैलोरीज, 1 स्मॉल बॉल ऑफ राइस विच इज 70 कैलोरीज एंड 1 स्मॉल बॉल ऑफ मिक्स सैलेड विच इज ओनली 20 कैलोरीज। आप बिफोर बेड 1 कप ऑफ मिल्क ले सकते हैं विच इज ओनली 80 कैलोरीज। आप इस डाइट को 1 मंथ के लिए फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 1 मंथ में कितना वेट रिड्यूस किया।